संघ प्रमुख मोहन भागवत के बाद अब कांग्रेस और बीजेपी की भारत इंडिया विवाद में एंट्री। G20 डिनर के लिए प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से न्योता भेजने पर जयराम रमेश का सवाल। बीजेपी सांसद बोले, संविधान से हटे इंडिया नाम। केस संविधान में संशोधन करना चाहिए और उसमें भारत शब्द जोड़ना चाहिए। गैर सियासी दिग्गजों ने भी छेड़ा भारत राग। अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर पोस्ट किया भारत माता की जय। वीरेंद्र सहवाग की BCCI से खिलाड़ियों की जर्सी पर भारत लिखने की मांग। चुनावी अभियान के लिए मध्य प्रदेश में गृहमंत्री अमित शाह। मंडला में जन आशीर्वाद यात्रा को दिखाई हरी झंडी। मध्य प्रदेश में फिर सरकार बनाने का दावा। सनातन पर उदयनिधि स्टालिन के बयान के खिलाफ मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी। मामले में स्वतः संज्ञान लेने की मांग। चिट्ठी में रिटायर्ड जज, ब्यूरोक्रेट्स और सैन्य अफसरों समेत 262 लोगों के नाम। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री से मुलाकात आज। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी को दे सकते हैं राम मंदिर उद्घाटन का न्योता। अयोध्या के विकास कार्यों पर भी चर्चा संभव। वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का हुआ ऐलान। रोहित शर्मा कप्तान और हार्दिक पांड्या उपकप्तान की जिम्मेदारी संभालेंगे। 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है क्रिकेट का वर्ल्ड कप। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर वन भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे उनकी आवाज निडर होकर उठाता है। लोगों की नंबर वन पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर वन न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 नए इंडिया का नया नंबर वन न्यूज चैनल। केस संविधान में संशोधन करना चाहिए और उसमें भारत शब्द जोड़ना चाहिए। भारत से किसी को, भारत से सबको प्यार है। आपको भी प्यार है, मुझको भी प्यार है और हर देशवासी को प्यार है। कोलोनियल माइंडसेट से बाहर आना है, यह उसके लिए सबसे बड़ा स्टेटमेंट है। पुरातत्व काल से हमारे देश का नाम भारत है और संविधान में भी इसको स्पष्ट किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। दिल्ली में G20 की